हमारे कमिंग नेट एग्ज़ाम के लिए जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाला है, उसके हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम अगले 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, सभा कक्ष में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो देखिए, इसमें देखो, बात मत करो कहना, अधीनस्थों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, शांत रहकर अधीनस्थों या सहकर्मियों की ओर देखना, शोरगुल की परवाह किए बिना अपना वक्तव्य प्रारंभ करना। तो देखिए, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो है ए, बात मत करो कहना। जब भी हम कक्षा में हल्ला होता है, शोरगुल होता है, तो हम यही कहते हैं जनरली, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। 52 में है, संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह सभा कक्ष में संप्रेषण की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? तो इसमें विपर्यय, मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्दर्शन, मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, संकेंद्रण निर्दर्शन और अतिरंजन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसका आंसर है बी, सबसे पहले मूल्यांकन, संकेंद्रण और निर्दर्शन। तो संप्रेषण पक्ष का ये जो कौन सा समूह सभा कक्ष में संप्रेषण को खंडित नहीं करता है, मतलब कि अगर सभा कक्ष, मतलब एक बड़े हॉल में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसे खंडित नहीं करेगा, निम्न से कौन सा वो समूह है? तो सबसे पहले इसमें है मूल्यांकन, संकेंद्रण और निदर्शन वाला। अब हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? पहला है टीवी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो, कंप्यूटर। विशाल समूह की बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे कि हम टीच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है, ये सबसे बेस्ट इसका ढंग माना जाएगा। विशाल, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बड़े ग्रुप की, ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। अब है प्रश्न नंबर 54, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ताकि, यानी जब हम संचार प्रणाली की बात करते हैं, तो एक प्रतिपुष्टि प्रणाली का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंतर वस्तु के बारे में ज़्यादा समझा जा सके। इसलिए इसमें जो उसका जो सबसे इन चारों में सबसे श्रेष्ठ उत्तर है कि अंतर वस्तु के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक लोक सेवक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि, कि लोक सेवक जो भी है वो कब प्रभावी संचारक बन सकेगा? अगर वो निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, ओके, कि वो निर्देश देने के लिए साधनों का प्रयोग करता है, निर्देशात्मक, ठीक है ना, ऐसे साधन प्रयोग करता है जिससे कि वो निर्देशों को अपने जो अन्य अधीनस्थ हैं और अन्य व्यक्ति हैं उन तक पहुंचा सके। सभा कक्ष में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इससे भय रहता है कि अधीनस्थ कर्मचारी या जो सहकर्मी हैं वो क्या होंगे, मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि आप देखो, शारीरिक रूप से तो आपको, अगर आप हायर पोजीशन पे हैं तो लोग आपको सुनेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन कारण है कि मेंटली आप एब्सेंट रहेंगे। कई बार कक्षा में कहा जाता है कि फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली आप उपस्थित नहीं है। तो ये इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा कि मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाएंगे, कि आप मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे कक्षा से। इसलिए अब है क्वेश्चन नंबर 57, क्लोज सर्किट टीवी लाभदायक है। अब क्लोज सर्किट टीवी किस लिए लाभदायक है? तो दोस्तों, कि केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं और दर्शकों के लिए, तो क्लोज सर्किट टीवी इनके लिए लाभदायक होती है। सभा कक्ष में वीडियो या सीडी दिखाने, वीडियो सीडी दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तर होने चाहिए। क्यों उस पर क्यों होने चाहिए? क्योंकि प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण होगा, कि जो आपने नॉलेज ऑलरेडी देखने के बाद गेन किया है, उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा मजबूती से आप में आपको ग्रहण करने में सहायता मिलेगी। 59 है, संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। क्या बोलते समय आप आरोह अवरोह की कई बार आवाज़ चढ़ाई जाती है, कई बार उतारी जाती है, मतलब उतार में या चढ़ाव में आप बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये उद्देश्य मूलक बनाते हैं। तो ये जो वाक्य है, ये क्या है, ये वाक्य सत्य है, कि आपका कभी तेज बोलना, कभी धीमे बोलना, बातों को कहने का ढंग, जो लहजा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो आपके उद्देश्यों को उद्देश्य परक बनाता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है कि उत्तर नंबर बी, यह सत्य है। फिर है प्रशासक के लिए आवश्यक है, अब जो प्रशासक, उसके लिए क्या आवश्यक होगा, संप्रेषण कला, ना तो चित्रकला आवश्यक है, ना बंदूक चलाना, ना उदाहरण कला, ना उदाहरण देने की कला, इसके लिए एक प्रभावी संप्रेषण कला जरूरी होती है, जो कि उत्तर है डी, 60 का उत्तर है डी। 61 में है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, कि जब हम ग्रुप में देते हैं तो उनका जो फीडबैक हम ढंग से नहीं ले पाते, कि हम बहुत बड़े ग्रुप को जब टीच करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े ग्रुप को हम नॉलेज देते हैं संचार के माध्यम से, तो वहाँ पे फीडबैक प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें जो फीडबैक है वो प्रॉपर नहीं हो पाता।
निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ध्वनि चलचित्र दूरदर्शन, चित्र ड्राइंग डायग्राम, रेडियो टैप रिकॉर्डर स्लाइड्स। देखिए सारे दृश्य और श्रव्य सामग्री में आते हैं, ठीक है ना। तो यानी उत्तर नंबर जो डी है, उपयुक्त सभी उत्तर सत्य हैं। अब प्रश्न है 63वां, सार्थक संप्रेषण में प्रशासक को क्या प्राप्त होता है? सार्थक अगर आपका संप्रेषण है तो क्या मिलेगा उसे? तो उसमें मिलेगा आपको आत्मसंतोष। यही टीचर के लिए, यही एक शिक्षक के लिए आवश्यकता है कि आत्मसंतोष। कला के रूप में विचार संप्रेषण क्या चाहता है? तो कला के रूप में विचार संप्रेषण मधुर संप्रेषण चाहता है। कला की जब बात करते हैं तो मधुरता की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। ना टेक्निकल होगा, ना वस्तुनिष्ठ होगा, ना उपयुक्त सभी ऑप्शन वाला राइट है। इसमें उत्तर सी सही है, मधुर संप्रेषण। 65 में है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है? कौन सा लिखित में शामिल नहीं होगा? तो देखिए घोषणाएँ लिखित में नहीं होती हैं। टेलीफैक्स लिखित है, ईमेल लिखित है, चार्ट लिखित है, ठीक है, लेकिन घोषणाएँ लिखित में शामिल नहीं होंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को कैसा बनाते हैं? तो ये याद रखिएगा, जब हम उदाहरण देते हैं पढ़ाते समय, कोई बात बताते हैं, कोई दृष्टांत बताते हैं, कोई घटना, कोई कहानी बनाते हैं, तो वो क्या रोचक बनाते हैं, है ना, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब है लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं, तो यह सत्य नहीं है। क्या बहुत लंबे लंबे विचार देंगे तो क्या होगा? वही मेंटल एब्सेंस वाली बात सामने आ जाएगी, तो यह सत्य नहीं है। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है समुचित भाषा की। यहाँ सरल भाषा नहीं चाहिए, हमें समुचित की, उचित क्या है, उचित भाषा की आवश्यकता होगी। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? समुचित भाषा की। अब है प्रश्न नंबर 70, संप्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यह कभी कभी सही होता है, हमेशा सही नहीं होता है कि जो शैली, ढंग या विधि अपनाई जाती है वो विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। कई बार निर्भर करती है, कई बार निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तो मतलब ये कभी कभी ही सही होता है, उत्तर नंबर डी। 71 में है, स्निग्ध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितना सहमत हैं? प्राय सहमत हैं, मतलब पूर्ण सहमत भी नहीं है, पूर्ण असहमत भी नहीं है, ठीक है ना, और संभवतः असहमत भी नहीं है, लेकिन हम प्राय सहमत हैं कि स्निग्ध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 72 में है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेश CAI विचार संप्रेषण की वह विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर संप्रेषण में क्या किया जाता है? अत्यंत ही कठिन विचार जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के थ्रू क्या करते हैं? संप्रेषित करते हैं। फिर द्विपक्षीय संप्रेषण प्रभावी होता है, प्रश्न नंबर 73। ये द्विपक्षीय संप्रेषण कभी प्रभावी नहीं होता है, जहाँ दोनों पक्ष संप्रेषण करना है, ठीक है ना, तो ये कभी भी प्रभावी नहीं होता है। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन क्या है? सत्य है कि हम अपना जो संप्रेषण का कौशल है कभी भी अर्जित कर सकते हैं, तो ये सत्य है। अब है प्रश्न संख्या 75, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि उससे क्या होगा, प्रेषक के दोषों का पता लगाया जा सके। तो प्रतिपुष्टि का मतलब होता है इस प्रणाली का उपयोग करने का है कि आप जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, उसके दोषों का पता लगाया जा सके। फिर है सरल, निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? इसमें एक निर्णय सारणी की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 76 का जो आंसर है ए, निर्णय सारणी। छोटे ग्रुप में संचार बड़े ग्रुप के संचार से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका उत्तर है ए, कि छोटा ग्रुप उसमें भाग लेने वालों के आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। कि छोटे ग्रुप में आप अपनी बातों से दूसरों को जल्दी प्रभावित कर पाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे बेहतर माना गया है। अब है प्रश्न नंबर 78, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास क्या है? तो इसमें स्टार चैनल का समावेश हार्डवेयर तकनीक में नवीनतम विकास है। तो FM चैनल की समाप्ति, M चैनल का समावेश, Z चैनल की समाप्ति, स्टार चैनल का समावेश। तो याद रखिएगा जो D है ये नवीनतम विकास है। निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? तो 79 में अगर देखा जाए तो इसमें कि कौन सा मौखिक संचार है, संजय ने ऊंची इमारत पर ऊंचे स्तर में कविता पढ़ी, चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल हो गया, बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है।
तो इसमें से मौखिक संचार कहीं नहीं है, ठीक है ना, किसी बात का संचार नहीं हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो 79 में जो डी है इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। 80 है कि श्रवण, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। अब श्रवण में, सुनने में कैसे सुधार लाएंगे, ताकि अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर, तो इसमें है कि अपनी आवाज़ प्रभावशाली बनाकर हम श्रवण में सुधार ला सकते हैं, सुनने में सुधार ला सकते हैं। अब है निम्नलिखित संप्रेषण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावशाली, बहुसंचार विधि, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके हम जो संप्रेषण करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब 82 में है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे, तो एज अ टीचर आपको किस पर विचार करना चाहिए, तो संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, आपको कोई बातें दूसरों तक पहुंचानी है, संप्रेषित करनी है, किसी संचार के माध्यम से करनी है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, माध्यम, प्रक्रिया और पहचान करना विभिन्न माध्यम को, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना होगा उसके संचार के उद्देश्य के लिए। तो 82 में आपका जो उत्तर है वो है सी। अगला है मूल्यांकित श्रवण का उद्देश्य होता है, मूल्यांकित श्रवण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो 83 में आपको याद रखना होगा ए, सुनने वाले को जो विचार दिया गया है वो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करें, ठीक है। 84 में है एक प्रभावी संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता है, तो एक प्रभावी संप्रेषण अपेक्षा नहीं करता है सटीक हाव भाव की, ठीक है, आपने प्रभावी किया लेकिन उसके अनुसार सटीक हाव भाव की अपेक्षा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा एक संचार के द्विमार्गी साधन का उदाहरण नहीं है, तो ये प्रदर्शन तथा रैली, ये द्विमार्गी साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 86 में देखा जाए कि संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है विचार तथा विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उत्तर सी है कि विचार एवं विकल्पों को चयन करने की स्वतंत्रता के द्वारा। संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है, क्या संप्रेषण कला में सब जन दक्ष होते हैं, डी संभवता, ठीक है ना, पॉसिबल है कि सब दक्ष हों लेकिन हो सकता है कोई ना भी हो, कभी कभी नहीं संभवता, तो उसका जो सबसे उत्तर है वो डी माना जाएगा। अब 88 है सुनना दुष्प्रभावित होता है, अब इसमें क्या होगा, आवश्यकता एवं सामर्थ्य अधिक सामग्री सुनने में, जितनी आपको ज़रूरत है और जितना आप में सामर्थ्य है उससे ज़्यादा सुनेंगे तो वो दुष्प्रभावित होता है। 89 में है संप्रेषित गणों का मनोशारीरिक स्तर पर सभा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा और प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है, आप इस कथन से कितना सहमत हैं, हम इससे आंशिक सहमत हैं, ठीक है। संप्रेषण की कुशलता किससे बढ़ती है, प्रश्न संख्या 90, तो संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है प्रशिक्षण से, ठीक है, सीखने से। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक और वस्तुनिष्ठ होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, उद्देश्य पर आधारित ही होना चाहिए संप्रेषण, तो जहाँ पे संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है तो वहाँ पे उद्देश्य को महत्वपूर्णता दिया जाए, महत्ता दी जाए। कि संचार का साक्ष्य स्थायी होता है, तो लिखित मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों, तो इनमें से किसी का भी साक्ष्य स्थायी नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। अब ये संप्रेषण कला का विकास हो सकता है, तो 93 का है स्वाध्याय से, संप्रेषण कला का विकास स्वाध्याय से होता है। संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संप्रेषण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है अच्छी भाषा, तो सबसे जो जरूरी है वो है अच्छी भाषा। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है बोधगम्य, कि जहाँ पे आप कोई चीज़ कक्षा में संप्रेषित कर रहे हैं तो वहाँ पे आप दंड भी रख सकते हो, पुरस्कार भी, कि किसने अच्छी तरह सुना तो उसको पुरस्कार मिलेगा और जिसने नहीं सुना उसे दंड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोधगम्य, तो यहाँ पे लोग आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। अब प्रश्न है 97, विचार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं सामान्य प्रभाव, विचार संप्रेषण से क्या हो सकता है, सामान्य प्रभाव डाला जा सकता है। फिर एक कला के रूप में विचार संप्रेषण चाहता है, क्या चाहता है भाई, ये चाहता है मधुर संप्रेषण, वस्तुनिष्ठ और तकनीकी उपयुक्त सभी, यानी डी इसका उत्तर होगा 98 का। अब प्रश्न संख्या 99 है 99 में, विचार संप्रेषण कला तथा विज्ञान दोनों ही हैं जिसे अर्जित किया जा सकता है प्रशिक्षण से, तो विज्ञान हो, कला हो, विचार संप्रेषण हो, तो ये किससे अर्जित कर सकते हैं, प्रशिक्षण से अर्जित कर सकते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं,
तो इससे हम प्राय सहमत हैं कि हमेशा भाषा की सदैव आवश्यकता तो ऐसा नहीं, वो बहुत बार बिना भाषा के अभाव में भी हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपने मूक बधिर जो शैली है उसमें क्या होता है, वहाँ पर केवल हाव भाव के माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो इस कक्षा में जो मुख्य जो प्रश्न देखे थे, पिछली कक्षा में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, इस बार हमने फिर ये आज 50 क्वेश्चन और देखे, तो इस प्रकार से हमने पूरे 100 क्वेश्चन हैं वो अपनी कक्षा में कंप्लीट किए हैं। तो आप इनका अभ्यास कीजिए, परीक्षा में लगभग इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली कक्षा में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्ते ऑनलाइन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।